राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच शुरू हुए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये घोटाला मानो एक पहेली सी बनता जा रहा हो, जो सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है, जिसमें जांच एजेंसियां भी ऐसी उलझ गई हैं कि अब तक कुल 5 चार्जशीट में नए नए किरदारों की एंट्री हो चुकी है, लेकिन कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसियां अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। लिहाजा इस केस में मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जैसे तमाम आरोपी बीते कई महीनों से जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनका ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आरोपी और शराब के दिग्गज कंपनी पेनरोड रिकॉर्ड के अधिकारी बिनॉय बाबू को शुक्रवार को जमानत देते हुए ईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए काफी तल्ख टिप्पणियां की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आप मुकदमे से पहले लोगों को इतने लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। सीबीआई जो आरोप लगा रही है और ईडी जो आरोप लगा रही है, उसके बीच विरोधाभास प्रतीत होता है, यह उचित नहीं है। हमें नहीं पता कि यह मामला अब कैसे आगे बढ़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को लेकर यह तल्ख टिप्पणी क्यों की, इसे समझने के लिए शराब घोटाले मामले में जमानत पाने वाले बिनॉय बाबू के केस से ही समझ लीजिए। बता दें कि आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कंपनी पेनरोड रिकॉर्ड के एग्जीक्यूटिव बिनॉय बाबू 13 महीने से जेल में बंद थे। बिनॉय बाबू सीबीआई के मामले में सरकारी गवाह भी हैं, जबकि ईडी के मामले में बिनॉय बाबू मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। इससे पहले जब बिनॉय बाबू दिल्ली हाईकोर्ट जमानत लेने के लिए पहुंचे थे, तब हाईकोर्ट ने कहा था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो वहीं इससे पहले बिनॉय बाबू की नियमित जमानत याचिका न केवल राउज एवेन्यू कोर्ट बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी। अब इन्हीं बिनॉय बाबू को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये कहते हुए जमानत दे दी कि आप मुकदमे से पहले लोगों को इतने लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी का असर सिसोदिया की जमानत वाली पुनर्विचार याचिका पर 11 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में कितना अहम रोल निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।